वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेकरी से बन पेटीज खाने का है मन, तो क्यों ना इन पेटीज को बनाया जाए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, ये देखिए हर जगह से आप तोड़िए, बहुत ही मजे आ रहे हैं इसको खाने में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही बढ़िया से, यहाँ देखिए मैंने एक बाउल में 200 ग्राम मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आधा चम्मच के आसपास। वैसे आप अक्सर मैदे में अजवाइन डालते हो, इसमें नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, और डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें वैसे अक्सर हम कुछ भी जो बनाते हैं तो काफ़ी सारा मोयन डालते हैं, अभी इसमें सिर्फ 2 टीस्पून हम मोयन डालेंगे। मोयन से मतलब है ऑयल, ऑयल घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ लेंगे हम पानी, तो जो ये कप होते हैं ना हमारे पास, ये हाफ कप मैं ले रही हूँ पानी, नॉर्मल पानी है, और हम देखते हैं कि इसमें कितना पानी लगता है। हमें काफ़ी टाइट सा इसका मैदा गूंथना है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, आप भी इसी तरीके से डालिए, एक साथ पहले डाल देंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब इसे अच्छे से मल के हमें ढक के रखना है करीब 10-15 मिनट के लिए। इसे हम ढक देते हैं 15-20 मिनट के लिए। और पानी देखिए मैंने हाफ कप लिया था, करीब 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। अब यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी ली है, ये एक चम्मच है, जैसे नॉर्मल हमारे घर में चम्मच होता है, ये 2 चम्मच हम आरा रोट ले रहे हैं। आरा रोट ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, आप मैदा ले सकते हैं, जो आपके पास है वही ले लीजिए। और यहाँ घी लेंगे हम, आप ऑयल भी ले सकते हैं पर घी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये 3 चम्मच भर के मैंने ले लिया है, और मैं दिखाऊंगी मेरे को कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए मेरे को ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसके लिए करीब 3 चम्मच मैंने भर के घी डाले हैं, और ये कॉर्नफ्लोर के साथ इसे मिक्स कर लिया है। और इसमें एक चुटकी हम डाल देंगे नमक, इसे हम पेस्ट बना के अलग रख देते हैं। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पेटीज, तो पेटीज के लिए मेन चाहिए होती है फिलिंग। यहाँ देखिए अक्सर हम समोसे के लिए फिलिंग बनाते हैं, या यूं ही हम बहुत सारी चीज़ों में फिलिंग डालते हैं, तो आलू की, मटर है तो मटर भी डाल दीजिए। इसी टाइप से मैंने नॉर्मल बॉयल आलू था तो उसकी फिलिंग बनाई है, और आप जो भी बनाना चाहें इसमें, जो भी मसाला डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए बनाई है कि हमारा थोड़ा टाइम बचे, आलू की तो हम कई बार फिलिंग बनाते हैं। और दूसरी मैं पेटीज जो बनाना चाहूँगी वो है पनीर की, तो हम पनीर को तैयार कर लेते हैं, आलू तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यहाँ देखिए चिली पनीर जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, उसको हमें ऑयल में डीप फ्राई करना होता है पनीर को, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं चिल्ली इसके लिए। तो आज तो मेरे पास शिमला मिर्च भी नहीं है, पर हाँ हरी प्याज है, नॉर्मल प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, तो पनीर है, तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, और जो पनीर के पीसेस हैं ना मेरे पास छोटे छोटे हैं, ये देखिए बहुत छोटे छोटे पनीर के पीस हैं, ये आरा रोट में ऐसे डिप कर रही हूँ। अगर आरा रोट नहीं है तो मैदा ले सकते हैं, आप चावल का भी आटा ले सकते हैं। गैस की फ्लेम कम कर दीजिए और ऐसे डिप करके इसे हल्का सा सौते करेंगे। इस तरीके से कम ऑयल में ही हमारा काम हो जाएगा, और ये अच्छे क्रिस्पी से हो जाएंगे पनीर के पीस। यहाँ देखिए इस पनीर को हम निकाल देते हैं, वापस इसी पैन को रखते हैं, यहाँ पर एक चम्मच ऑयल डालते हैं, इसमें डालेंगे हम लहसुन, अगर हम खाते हैं तो लहसुन डालें, नहीं खाते तो बिल्कुल ना डालें। हरी मिर्च डाल रहे हैं, और जो हरी प्याज के साथ वाइट पार्ट होता है प्याज का वो ले रही हूँ, आज मुझे मिल गया था तो मैं ये ले रही हूँ, वरना आप जो नॉर्मल प्याज होता है उसे भी ले सकते हैं। कभी कभी मन करे तो इस तरीके से भी चिली पनीर बना सकते हैं, जैसे हमें किसी में भी फिल करना है तो वो बड़े तरीके से ना बना के शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, यहाँ डालेंगे बहुत थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर देखिए हम एक चम्मच डाल रहे हैं चिली सॉस, 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं सोया सॉस, और 1 से 1.5 टेबल स्पून टमेटो केचप,
यहाँ डालेंगे हमने जो पनीर सॉटे करके रखा था। अब क्योंकि हमें ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, हमें ड्राई ही चाहिए, तो हम कोई कॉर्नफ्लोर कोई कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, ना हम विनेगर यूज़ कर रहे हैं। गैस की फ्लेम बढ़ा देते हैं जिससे पूरी सॉस पक जाए। थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे और हरी प्याज। तो इस तरीके से हमें काम चलाना है। इस वक्त हमारे पास सामान तो ज़्यादा है ही, तो जो भी है आप बना लें। आप पालक पनीर की भी फिलिंग इसी तरीके से बना सकते हैं। बारीक कटी पालक है, पनीर को डालकर बना सकते हैं। अब इसे भी हम ठंडा करेंगे। अब जो आगे का काम हम करने वाले हैं ना, वो हमें स्लैब पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से खुले से होता है। तो ये मैंने क्लीन कर दिया है। मैदे को हम निकाल देते हैं। यहाँ हम लेंगे इसकी लोइयाँ बना के, 4 से 5 लोई हम बना सकते हैं इसकी। 4 एक ही साइज़ की हैं, एक थोड़ी छोटी है, तो इसमें से जो बचेगा वो इसमें मिलाएंगे तो 5 लोई हो जाएंगे। अब बाकी लोइयों को हमने ढक के रखा है। एक एक लोई लेंगे और उसे इस तरीके से पतली बेलेंगे। पतली बेलने के बाद हमें रोटी में से 4 चौकोर पीस चाहिए, चाहे आप नाप के लें या अंदाजे से लें। बीच बीच में थोड़ा सा सूखा मैदा ले लें, क्योंकि हमें पतली चाहिए, साइड भी गोल बीच भी काफ़ी पतला। पेटीज़ में बहुत मेहनत होती है। पहले बेला जाता है, उसके बाद उसमें घी लगाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके बाद फिर इसको आधा घंटा फ्रीजर में रखा जाता है या फ्रिज में, उसके बाद फिर बेलते हैं, फिर घी लगाते हैं। ऐसे 3-4 बार फोल्डिंग होती है, तो सारी मेहनत आपकी ख़त्म हो गई। बहुत ही सरल तरीका है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सरल तरीका पेटीज़ का आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ये ठीक है, जितना पतला होगा उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। अब मैं आपको एक बार स्केल से करके दिखा रही हूँ, आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। पहले इसको चौकोर हम सीधा कर देते हैं। ये साइड की जो पट्टियाँ बचेंगी उन्हें हम यूज़ करेंगे। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे हमारी जो पेटीज़ बनेगी वो बराबर नाप की बने। बस अब इनको हम बराबर जो है 4 पीस में कर लेते हैं और इन्हें हम रखते जा रहे हैं। सारे आटे में से हम इस तरीके से चौकोर पीस बनाते जा रहे हैं। और ये सूखे नहीं, इसलिए इसके ऊपर भी एक गीला कपड़ा हम रख देंगे। तो पहले ये बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये जो बचे हुए पीसेस हैं ना, वो छोटे पीस में हम मिला देंगे। अब देखिए, मैंने 4 इधर रख दी हैं और ये 5वां है। 5 लोई थी हमारे पास, तो ये मैंने बेल दिया। अब हमारे पास फिलिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन फिलिंग हमें बाद में लगेगी। चिली पनीर की मैंने आपके सामने बनाई थी और आलू की मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाई हुई है। इसमें 1-1 चम्मच डाल देते हैं। अब हमें एक जो हमने पेस्ट बनाई थी कॉर्नफ्लोर और घी की, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। यहाँ लेंगे हम एक ब्रश, चम्मच भी ले सकते हैं। इस पर ये जो हमने पेस्ट बनाई है पूरी अच्छे से लगाएंगे। टोटल इस पेस्ट में मैंने घी जो डाला था करीब 2.5 टेबल स्पून, तो हमारी 5 बन रही हैं, मतलब बहुत कम घी हमारी एक एक पेटीज में लगेगा, मुश्किल से 1/2 टेबल स्पून, जिसे 1.5 चम्मच कहते हैं। अब ये जो मैंने लगाई है इसके ऊपर एक दूसरी पट्टी ये डाल देंगे। कहीं मैदा है श्रिंक हो जाती है तो उसे बराबर खींच लीजिए। बीच बीच में थोड़ी सी कुटी हुई अजवाइन डाल देंगे, तो थोड़ा टेस्ट भी बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। सॉरी, अजवाइन बाद में डालिए, पहले घी लगा दीजिए। हम पतला बेल रहे थे तो अजवाइन पहले नहीं डाल सकते थे। ये तीसरी पट्टी मैंने इसके ऊपर रखी, यहाँ पर भी हम घी लगाएंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। अब ये चौथी पट्टी जो है इसे भी हम यहीं रखेंगे। ये देखिए श्रिंक हो जाती है ना, तो आप इस तरीके से उसे खींचिए। अब यहाँ पर आप कोई भी फिलिंग ले सकते हैं, जैसे आलू की लेते हैं हम पहले। वैसे अक्सर जो पेटीज होती है ना, वो आलू की ही ज़्यादा अच्छी लगती है सबको, पर आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सेंटर में रखिए यूँ तिरछी करके। अब इसको चारों को उठाइए, फिलिंग के ऊपर इस तरीके से फिंगर रखिए और इसे इस तरीके से दबा दीजिए।
काफ़ी बड़ी पेटीज़ बनाई है मैंने, जैसे 20-25 रुपीज़ की जो मिलती है ना नॉर्मल बेकरीज़ में, अगर किसी अच्छी जगह की खाएंगे तो काफ़ी महंगी मिलेगी, लेकिन नॉर्मल जो बेकरीज़ पर बनती हैं लोकल, तो वो इससे थोड़ी छोटी होती हैं। आप काफ़ी बड़ी ले रहे हैं, ये मैंने पेटीज़ रखी। और अगर इस वक्त आपको लग भी रहा है कि थोड़ी सी ना बड़ी लग रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको थोड़ा सा काट भी सकते हैं इस समय, और फिर ये मैदा यूज़ होगा, आपकी छठवीं वाली पेटीज बनकर तैयार हो जाएगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये इक्वल हो गया और ये हमने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा घी लगा दिया, हल्की सी पे ये अजवाइन लगा दी, अच्छी लगेगी। बस अब इसे हम इसी तरीके से और भी बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये चार पट्टियाँ ले रही हूँ, इसी तरीके से घी लगाएंगे। लास्ट वाले में भी घी जरूर लगाइए, क्योंकि इस घी से ही हमारी जो पेटीज है वो चिपकेगी। यहाँ पर मैं पनीर की फिलिंग डाल रही हूँ, इसे भी हमें इस तरीके से उठाना है। जो साइड है, साइड नहीं मोड़ना है हमें, जहाँ हमने फिलिंग रखी है ना एक्चुअली, वहाँ पे मोड़ना है, दबाना है, जिससे ये हमारी फिलिंग निकले नहीं। इसे भी इसका शेप आप क्लीन कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैदा वेस्ट नहीं होगा, ये आपको एक और पेटीज बना देगा। अब इस तरीके से जो हमारी पेटीज बन जाएंगी, हम सारी पेटीज बना लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए, हो सके तो आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट ही सही, आप फ्रिज में ज़रूर रखिए, तब इसका रिजल्ट ना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आप सुबह से शाम तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, पर ऐसे नहीं, इसके ऊपर एक गीला, हल्का गीला कपड़ा रख के। यहाँ देखिए, फ्रिज में से मैंने निकाल ली है ये पेटीज, करीब आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखी थी। अब इसमें से मुझे ये याद नहीं है कौन सा आलू वाली, आई थिंक ये पनीर की लग रही है, और ये आलू की, जो भी है, मैं दो पेटीज आपको बेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपको बेक करना है तो आप बेक कीजिए। तो दो पेटीज तो मैं रख रही हूँ इसको बेक करने के लिए, और बेकिंग का टाइम जो रहेगा करीब 20 मिनट लगेगा, और इसको 220 तक भी काफ़ी अच्छा गर्म करके आप इसे बेक कीजिए। बीच में आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा ऑयल की पॉलिश कर दीजिए। अभी हम इसे प्री हीटेड ओवन में रख रहे हैं, और कई बार मैंने पहले भी बेक करना दिखाया है, मैंने पहली जो पेटीज की बनाई थी उसमें पतीले में भी करके दिखाया, तो वो आप सब कर सकते हैं, बस ये मैं रख रही हूँ, और बाकी का मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मेरा आज एक्चुअल यही मन था कि मैं आपको आज ये फ्राई करके ही दिखाऊं, क्योंकि फ्राई सिर्फ एक मिनट में हो जाती है और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, और क्योंकि अंदर हमने काफ़ी अच्छे से घी लगाया हुआ है तो ये घी ज़्यादा लेती भी नहीं है। पर फिर भी मैंने बेकिंग का ऑप्शन भी आपको बता दिया है। यहाँ मैंने पैन में ऑयल रखा है, इसमें हम ये पेटीज डाल देते हैं, इसे हम हल्के से पलटा देते हैं। अब साइड से जगह है तो हम तीसरी वाली पेटीज भी डाल ही देते हैं। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ ऑयल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं चाहिए, अगर स्लो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ऑयली बनेंगी। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए इसकी। ये देखिए, डालते ही कितनी बढ़िया पपड़ियाँ सी बन गई हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आप जानते होंगे शायद, अमृतसर में इस तरीके से परती समोसा मिलता है एक छोले की सब्जी के साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया हमारा परतीदार समोसा। ये देखिए, आप लच्छे देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ बनती है, इसके अंदर कराची हलवा डलकर बनाते हैं यहाँ पर हलवाई, और वो होली के टाइम बहुत मिलते हैं। तो ये बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन पेटीज जो होती है वो बेक होती है, हमारे मन में यही होता है कि बेक करके खाएं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती है ना कि इतना सारा डालडा घी कहाँ से आए, इतना डालडा घी, बेकरी घी, फिर वो मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, बटर से वो रिज़ल्ट आ नहीं पाता है, तो इसलिए हमें डालडा घी का या वनस्पति जो भी है लिली घी का यूज़ करना होता है। तो बड़ी परेशानियाँ आती हैं, मेरे को कई कमेंट्स आए थे कि हमारे पास ना हो तो क्या करें, तो ये बहुत ही बढ़िया इसका सब्स्टिट्यूट है, आप इस तरीके से बनाइए और पेटीज का एंजॉय कीजिए।
ये देखिए इस तरीके से इसका ऑयल निकाल निकाल के आप पेपर नैपकिन पे रखते जाइए। सिर्फ घड़ी के हिसाब से 1 से 1.5 मिनट में ये बनकर तैयार होती है। बेकिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो भी वो पेटीज का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने जो पहले एक्चुअल किया जाता है इसका प्रोसेस वो नहीं किया है। अगर आपको वो प्रोसेस देखना है तो हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें एक्चुअल बेकरीज में कैसे बनाई जाती है पेटीज, वो भी है वीडियो। यहाँ देखिए जो एक्चुअल मुझे चाहिए थी आज की जो रेसिपी थी वो यही थी, मुझे यही चाहिए था, पर बेकिंग भी हो जाए, ये भी थोड़ी ठंडी हो तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए करीब करीब मुझे 20 मिनट लगे, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है। और इसमें मैंने एक आध बार बीच बीच में इस ब्रश से थोड़ा सा घी की ऐसे लगाती रही जिससे ये ब्राउनिंग काफ़ी अच्छी आई। अगर घी नहीं लगाती ना तो वो थोड़ी सी ड्राई ड्राई बनती, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हमने कोई भी घी नहीं लगाया। ये देखिए अब है ना बड़ी मज़ेदार सी, बहुत ही कम मेहनत में हमारी पेटीज बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में तोड़ के दिखा देती हूँ। पर इसके आप एजेस देखिए थोड़ी बंद जरूर हैं लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी है, मैं तोड़ के दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये देखिए बेकरी वाली भी जो हमने बेकिंग में की है वो भी बहुत तैयार है। ये देखिए इसकी हर परत बहुत ही बढ़िया, ये देखिए पेटीज बनकर तैयार हुई है। मैं आपको ये तली हुई भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पेटीज बनकर तैयार हुई है, चाहे आप फ्राई कीजिए चाहे आप बेक कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर।